नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर बीजेपी सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि श्याम सिंह राणा और मैं, हम इकट्ठे जिला अध्यक्ष भी थे और मैं अंबाला और श्याम सिंह राणा यमुनानगर के जिला अध्यक्ष थे। और इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस सरकार पर ही जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पर्ची और खर्ची चलती थी। गरीब का बच्चा सोच भी नहीं सकता था कि वह सरकारी नौकरी कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी और ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे। अब 24 घंटे पूरे प्रदेश में बिजली मिलती है। और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप भी लगता है कि मैं त्याग पत्र दे करके सबसे पहले उस ये देश का प्रदेश का भला करने के लिए वोट नहीं मांगते। ये तो देश और प्रदेश के लोगों के पसीने की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए ये सरकार बनाने का काम करते हैं। इस बात को हमने समझना है। आज अगर हम 10 वर्षों में देखें, एक भी जिला मेरे हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं है जिसके अंदर फोर लेनिंग रोड न लगाओ। भाइयों, अगर इन 10 वर्षों के अंदर देखें, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, अगर चंडीगढ़ से नारनौल जाना होता था 8 घंटे का समय लगता था 2014 से पहले, आज आप 2.5-3 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से नारनौल पहुंच जाते हैं। ये गजब का बदलाव देखने को इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के अंदर मिला है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार खरा उतर रही है, इस बात को हमने समझना चाहिए। परंतु इस प्रकार का झूठ बोलना और इस झूठ का आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस परिवार में शामिल हो गए हैं। मैं आप सबका पार्टी के अध्यक्ष के नाते दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका इस परिवार के अंदर शामिल हुए हैं, आप सबको इस आगमन के ऊपर बधाई भी देता हूं। और आप लोगों से एक अपील भी करूंगा, क्योंकि ये ताकत है, ये शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। कल भी हजारों की संख्या में कांग्रेस के लोग पार्टी को, उनके विचार को छोड़ करके, और इतने खुश हो रहे थे, कहने लगे, कहा भाई आनंद आया। हमने तो कहा भारत माता की जय बोल रहे, कहा कि हमने पहली बार कहा देश के नाम के ऊपर कोई जयकारा लगाए, नहीं तो ये जयकारा लगाने से भी हम वंचित थे। इस प्रकार की बात वो कार्यकर्ता बोल रहे थे, दम घुट रहा था उनका, कांग्रेस पार्टी में दम घुट रहा था। परंतु आज उन्होंने ये महसूस किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सम्मान, वो बात आज हमें बोलने को मिल रही है। और भाइयों, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि इतनी भारी संख्या में आज श्याम सिंह जी, राणा जी के साथ आप सब लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन किया है। भाइयों, 2.5-3 महीने रह गए, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से एक बात कह रहा हूं कि भाई हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं ये विश्वास दिला। पुलिस महानिरीक्षक कुलविंदर सिंह ने भी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के साथ में थाना समालखा का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने अनुसंधानकर्ता की कार्यप्रणाली का अवलोकन भी किया, साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की है। पुलिस महानिरीक्षक कुलविंदर सिंह ने और साथ ही पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने थाना में साफ सफाई दुरुस्त पाए जाने पर भी सराहना की है। थाना परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है।
पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं। बेदी ने तीनों बीजेपी मंडलों की बैठक ली है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में आगमन के बाद से अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी बीजेपी ने गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। आपको बताते चलें कि लोगों एवं मतदाताओं को बीजेपी से कैसे जोड़ना है, इसकी भी विशेष रणनीति पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा बनाई गई है। आपको बताते चले कि बीजेपी के लोग अब धरातल पर जाकर लोगों एवं कार्यकर्ताओं के साथ में बीच में रहेंगे। बीजेपी ने शुरू किया है कि अब लक्ष्य विजन अभियान। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने वीरवार को भी मंडल बैठक ली और पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। अध्यक्षता में नली मंडल की यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विधानसभा चुनाव की हमने रूपरेखा तैयार की है। सभी गांव में हर कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई है। बूथ बूथ पर जाकर गांव-गांव चलो अभियान हमने एक शुरुआत की है। सभी कार्यकर्ता हर बूथ पे जाके फीडबैक लेके आएंगे वहाँ पे कि लोकसभा में चुनाव में हमारे पास क्या कमी रही और विधानसभा में कहाँ पर हमें जो चुनाव की हमें मेहनत करनी है, कौन सी वोट कहाँ पे है, सभी की समीक्षा करके जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं बूथ कमेटी पे कार्यकर्ताओं की, वो एक हफ्ते के अंदर हमें रिपोर्ट देंगे आकर। अमित शाह जी 29 तारीख को पंचकुला में आए थे। उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया था कि आने वाले चुनाव के लिए हमने प्रत्येक बूथ पर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाना है। प्रत्येक मतदाता से, चाहे वो किसी जाति वर्ग का है, हम जाकर मिलेंगे और उनको आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से और सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने जो लोगों को राहत दी है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल मजबूत करना, ये सारी योजना के तहत हमारे तीनों मंडलों की मीटिंग पिछले 3 दिन से लगातार चल रही है। चरखी दादरी जिले के गांव घसोला में 28 जून को अपनी बहन के घर आकर गोली मारकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी विनोद शंकर ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून को गांव घसोला में अपनी बहन के घर जाकर आरोपी ने गोलीबारी की, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। परिवार के 3 अन्य सदस्य भी घायल हो गए हैं। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसको राजस्थान के थाना के साथ में भी पुलिस ने हथियार के साथ काबू किया। चरखी दादरी पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट का भी लेकर आज चरखी दादरी अदालत में पेश किया है और जहां पर 4 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल किया गया। आरोपी से गहनता से पूछताछ भी की जा रही है। ये 28/6/2024 रात की घटना है। करीब 2:45 पर एक साकेत नाम का एक लड़का है, गोपास गांव का, और घसोला गांव में इसकी सिस्टर आशा नाम की, इसकी सिस्टर जो है वो रजत नाम के लड़के के साथ शादीशुदा है, तो उससे इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट था और इसलिए इसी 28 तारीख की रात को आता है वहाँ से, दिल्ली से एक कैब को हायर करके ले जाता है और यहाँ आ करके उस गांव के पास ही दादा होटल के पास उस कैब को छीन लेता है। तो फिर गांव के फिर उनके मकान पर जाता है और मकान पर जा करके वहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है, जिसमें मौका से हमें 21 खाली खोल राउंड हुए हैं और 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और जो फायरिंग जो उसने की, उसमें एक छोटे लाल नाम के व्यक्ति के ऊपर किस्ते में इसका दादा लगता है। उपमंडल घरौंदा के कुटेल गांव में आपको बताते चलें कि परसों रात को हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मचारी एएसआई संजीव की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बताते चलें कि पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। संजीव 2002 से हरियाणा पुलिस में है और ऐसे में वो करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में तैनात रहा, तो जिस केस में वो जाँच कर रहा था वो केस भी देखा जाए तो अगर
कहीं कोई बात तो नहीं है। तो वहीं संजीव का भी बेटा कनाडा से आया हुआ था, उसके बाद भी आज अंतिम संस्कार हुआ है। बेटे ने संजीव कुमार अमर रहे के नारे भी लगाए हैं। हरियाणा पुलिस के जवानों ने संजीव कुमार को श्रद्धांजलि दी है। इस दुख की घड़ी में घरौंदा से विधायक हरविंदर कल्याण भी पहुंचे और कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो ये घटना घटी है वास्तव में दुखद है परिवार के लिए, समाज के लिए, और पुलिस इसमें मुस्तैदी से लगी हुई है और जो भी इसके अंदर संलिप्त होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो भी इस प्रकार की घटना है उसमें बड़ी मजबूती से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बड़ी सत्य और क्या हो सकती है, जब मतलब मुलाजिम भी सुरक्षित नहीं है और अब तक कोई उसका सुराग नहीं मिला, तो मैं तो कहूँगा इससे बड़ी कोई सत्य नहीं हो सकती। और जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और अब तक तो पकड़ा जाना चाहिए था। देखो मतलब घर में आके एक गोली मारना मतलब कितनी बड़े हमारे दुर्भाग्य की बात है। मैं तो परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और जल्द से जल्द ये चाहूँगा कि जिसने जो भी दोषी है, जिसने काम किया, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सहनशील था, ड्यूटी के प्रति बड़ा वफादार, कोई किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं, किसी से कोई वाहियत थी, किसी से कोई बद बातें नहीं, बिल्कुल अपने काम से थी काम। बहुत अच्छा लड़का था, इससे बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी पूरी हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको लगता है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े? बिल्कुल जी, पकड़े जाएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं। दो दिन आगे पीछे, लेकिन अपराधी कभी बसता नहीं। कोई रंजिश हो सकती है? कोई ऐसी लगी रंजिश, क्योंकि इससे इस टाइप का लड़का था ही नहीं। अंतिम संस्कार कर, अंतिम संस्कार आज कर दिए गए उनका, जो बेटा था संजीव जी का, वो आज ही कनाडा से सुबह के टाइम आया था और आज संस्कार कर दिए। हमारी 4-5 टीम में इसमें लगी है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम इसमें अपने सफलता हासिल कर लेंगे। पता चल पाया सर कुछ? अभी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम उसमें काम कर रहे हैं, अच्छा करके दिखाएंगे। कोई रंजिश का मामला? अभी कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई। कोई सीसीटीवी सामने? सीसीटीवी चेक करें मैम, जो भी आएगा वो सबको बता दिया जाएगा। खबर नू से है, जहां पर आपको बताते चलें कि पति की हत्या के मामले में पत्नी सहित दो किन्नरों को दोषी ठहराया गया है। आजीवन कारावास की सजा का फैसला भी सुनाया गया है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों को 25,000 रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। साल 2020 में पत्नी ने किन्नरों के संग में षड्यंत्र रचकर पुनः शहर में वारदात को अंजाम दिया था। मृतक जगदीश के भाई राजू के बयान पर पुनहना शहर चौकी पुलिस ने भी मृतक की पत्नी सहित करीब एक दर्जन से भी अधिक आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत के विशेष अभियोजक जगबीर सिंह ने भी बताया कि मृतक के भाई राजू ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। जी, आज माननीय अदालत ने 3 लोगों की लाइफ इम्प्रिजनमेंट करी है, पूरी लाइफ कन्विक्शन करी गई है उनकी। जिन्होंने जगदीश थे उनका मर्डर कर दिया था। जो इंसिडेंट की हम बात करें तो जो इंसिडेंट था वो 24 दिसंबर 2020 का था, जो ग्रेन मार्केट पुनाना का वार्ड नंबर 1 है, जहाँ पे जो कांता है अक्यूज्ड और एक काजल हैं और एक सीमा है, इन्होंने उनका मर्डर कर दिया था। कितने इसमें आरोपी थे और कितनों को जो है इसमें सजा मिली है? देर आर 3 अक्यूज इन द केस एंड वन ऑफ द अक्यूज कांता इज द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।